हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हमने बनाया है वेज बर्गर बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में और काफ़ी क्रिस्पी क्रीमी बना है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और इससे पहले, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें एंड हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं बनाना। दोस्तों, हमने बर्गर बनाने के लिए जो उसकी आलू की पैटी होती है, उसके लिए हमने यहाँ पे 4 बॉइल आलू लिए, उसको हमने कद्दूकस कर लिया है, थोड़ा सा धनिया लिया है, एक प्याज और हरी मिर्च को चॉप कर लिया है और एक शिमला मिर्च को चॉप कर लिया है। तो अब हम इनको सबको मिला लेते हैं। स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। एक चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, थोड़ी सी भुनी हुई मिर्ची और जीरे का पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला, इन सभी चीजों को अब हम अच्छे से मिला देते हैं। हमने इसे अच्छे से सारे मसालों को मिला दिया है। दोस्तों, हमने यहाँ पे बर्गर की टिक्की बनाने के लिए यहाँ पे कुछ ब्रेड क्रम्स बनाए हैं। हमने 4 ब्रेड को पहले सुखा लिया था अच्छे से, फिर हमने इसको क्रश कर दिया मिक्सी में। इधर हमने 1 कप मैदा लिया था, उसको हमने पानी के घोल से ऐसा बना के, देखिए हमने कुछ इस तरीके का घोल बनाया है, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके की होनी चाहिए। चलिए अब हम बर्गर की टिक्की बनाना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, चलिए टिक्की बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इसकी ऐसे टिक्की बना लेंगे, गोल गोल ऐसे करके, ये देखिए ऐसे, फिर इसको हम ऐसे चपटा करेंगे, ऐसे इस तरीके का, ये देखिए इसको गोल शेप दे देंगे। अब हम इसे मैदे के बैटर में डिप करेंगे, ये देखिए। अब हम इसे क्रम्स में ऐसे डालेंगे और दूसरे हाथ से इसे ऐसे करेंगे, कुछ इस तरीके से, ये देखिए। दूसरे हाथ से करिएगा क्योंकि ये गीला होता है, फिर आपके हाथ में ही चिपकेगा ब्रेड। दोस्तों, यहाँ पे हमारा कढ़ाई भी गर्म हो गई है और ऑयल भी, तो अब हम इसे डिप कर देते हैं, ये देखिए। इसको अभी छेड़ना नहीं है, थोड़ा सा नीचे से टिक जाए अच्छे से, तब हम इसे पलट देंगे। गैस की फ्लेम लो से मीडियम के बीच रखना है, देखिए। अब हमारा ये थोड़ा थोड़ा नीचे से क्रंच होना स्टार्ट हो गया, ये अब देख रहे हैं। तो अब हम इसे ऐसे पलट देंगे। तो इसी तरीके से हम बना लेते हैं और टिक्कियाँ। तो हम इसे निकाल लेते हैं, ये देखिए हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। इस तरीके से हम और बना लेते हैं। देखिए, हमारी यहाँ पे टिक्की बन के तैयार है, बर्गर की जो पैटी होती है, देखिए कितने क्रंची बना है। तो चलिए बर्गर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने देखिए बर्गर बनाने के लिए हमने इस बर्गर का यूज़ किया है, और ये हमने प्याज को स्लाइस में ऐसे से काट लिया था गोल गोल, और हमने इसको काट के 10-15 मिनट के लिए फ्रीज में रख दिया था, ताकि इसकी जो ये थोड़ा जो मिर्चपन होता है वो कम हो जाए, बच्चे आसानी से खा लें। देन ये देखिए, हमने यहाँ पे ये तंदूरी मेयोनीज ले रखा है, जो बर्गर बनाने के लिए रेस्टोरेंट वगैरह में यूज़ किया जाता है इसका, तो ये आसानी से मार्केट में अवेलेबल होता है। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा तवा गरम है, तो अब हम इसे बटर से ग्रीस कर देते हैं इसका, और अब हम एक एक करके उनको अच्छे से सेक लेते हैं बर्गरों को। तो ये देखिए, ये नीचे वाला हिस्सा ऐसे रखना है कुछ इस तरीके से।
बनाना काफ़ी अच्छे से सीख रहे हैं। इसको थोड़ा प्रेस करना पड़ेगा, ये भी सीख रहा है हमारा। बीच बीच में देखिए जलना नहीं चाहिए, ये हमारा हो गया तो अब हम इसे रख लेते हैं और इसको हल्का सा और करना है। ये भी हमारा हो चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे ये बर्गर अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। तो अब हम इसमें पहले यहाँ पे हम पहले थोड़ा सा तंदूरी मेयोनीज लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे आलू की पैटी रखेंगे और फिर हम यहाँ पे इस तरीके से अनियन रखेंगे, तरीके से। फिर हम अपर साइड में भी यहाँ पे लगाते हैं तंदूरी मेयोनीज। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है हमारा बर्गर, बिल्कुल बर्गर की भी ऐसा लग रहा है ना। फ्रेंड्स हमारा बर्गर बनके रेडी है, आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।